राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की शिकायत कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से की है। दरअसल सीएम गहलोत ने छत्तीसगढ़ में अपनी बिजली परियोजनाओं को आवंटित ब्लॉकों से कोयला उत्पादन के लिए मंजूरी में तेजी लाने और सोनिया गांधी के हस्तक्षेप की मांग की है। अशोक गहलोत ने सोनिया गांधी को पत्र लिखा है और इस पत्र में अशोक गहलोत ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार से बार बार अनुरोध करने के बावजूद राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजस्थान सरकार को आवंटित कोयला ब्लॉकों में खनन के लिए मंजूरी नहीं दी है। और इस पत्र में गहलोत ने यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ में राजस्थान को आवंटित परसा कोयला खदान में खनन परमिट नहीं मिलने से 4,340 मेगावाट बिजली उत्पादन ठप हो सकता है। केंद्र सरकार राजस्थान को परसा पूर्व कांटे एक्सटेंशन और सुरगुजा में 1,136 हेक्टेयर की कोयला खदानें आवंटित की गई हैं, लेकिन पर्यावरण मंजूरी के दूसरे चरण को लागू होने के कारण राज्य की पंचायतों से अनुमति लेनी पड़ती है और इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार को पहल करनी होगी। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की शिकायत कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से की है। और हमारे साथ मकसूद खान जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस से वरिष्ठ नेता हैं और फिलहाल इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मकसूद खान जी, स्वागत है आपका एनबी न्यूज में। धन्यवाद। देखिए, आखिर ऐसा क्या हो गया कि अशोक गहलोत और भूपेश बघेल आमने सामने हो गए और अशोक गहलोत ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को चिट्ठी लिख डाली? नहीं, होने को कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई बड़ा विवाद है। ये तो अपने थोड़ा सा हित होता है कि जैसे कोई भी, जैसे अगर दो भाई भी होते हैं तो एक परिवार का हित है। कोई भी चाहता है कि मेरे स्टेट में जो है चीजें रहे या मेरे स्टेट को जो भरपूर संसाधन मिले, वो हर कोई चाहता है। तो इसमें ये आपस की बात है और इसमें अगर कुछ चीजें ऐसी हुई हैं कि जो राजस्थान को कोयला मिलना चाहिए था तो उसमें थोड़ी दिक्कत हुई है, तो क्योंकि आलाकमान होता है उसमें हर दखल के लिए कोई भी इस तरह की बात होती है, तो उसने सोनिया गांधी जी को पत्र लिखा है अशोक गहलोत जी ने। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि ये कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस हो रहा है। नहीं, कांग्रेस के दोनों ही मुख्यमंत्री हैं और अगर भूपेश बघेल की जगह अभी शिवराज सिंह चौहान होते तो हाहाकार मचा होता। नहीं, हाहाकार नहीं मचा होता। ये देखिए, केंद्र का और इसमें कोई केंद्र और स्टेट वाला टकराव तो है नहीं, ये तो स्टेट का मामला है। नहीं, स्टेट की बात कर रहा हूँ मैं मकसूद खान जी। अगर कांग्रेस के दोनों सीएम की जगह एक जगह भूपेश बघेल होते और दूसरी तरफ अगर बात कर लेते तो शिवराज सिंह चौहान होते तो अभी तो हाहाकार मचा देती कांग्रेस या केंद्र पर भी सवाल या निशान खड़े कर देती। नहीं, हाहाकार वाली बात नहीं। इसमें जो कोयले वाली बात है जहाँ पे एक बिजली उत्पादन में कोयला यूज होता है, तो राजस्थान में जो बिजली की खपत है वो जिसके लिए कोयला मांगा जा रहा है, तो इसमें हाहाकार वाली कोई बात नहीं है कि ना अभी हाहाकार हुआ है ना तब हाहाकार होता है। इससे तो हरियाणा दिल्ली का हमेशा विवाद चलता रहता है कि पानी हाहाकार तो तब भी हुआ था जब कोयले की कमी आपने बता दी थी, भूपेश बघेल साहब ने भी कह दिया था कि कोयले कमी है और हमारे पास कुछ ही दिनों के लिए कोयला है, और साथ ही ये अशोक गहलोत जी ने भी कह दिया था कि हमारे पास कुछ ही दिनों के लिए कोयला है, और अब दोनों ही राज्य आपस में टकरा रहे हैं और दोनों ही कांग्रेस शासित हैं। हाँ, तो इसका कोई ऐसे टकरा नहीं रहे हैं। एक उन्होंने राजस्थान हित में, एक राजस्थान की जनता उनके हित में, एक भूपेश बघेल जी से एक आग्रह किया है और उसमें सोनिया गांधी जी की एक मध्यस्थता उन्होंने मांगी है, तो इसमें हाहाकार वाली कोई बात नहीं और इसको जल्दी से सुलझे। मकसूद खान जी, मध्यस्थता नहीं मांगी है, मैं आपको बता दूं कि उन्होंने एक पत्र लिखा है और सोनिया गांधी से हस्तक्षेप करने की मांग की है और शिकायत की है भूपेश बघेल की। नहीं, हस्तक्षेप करने को मध्यस्थता के लिए हस्तक्षेप होता है ना, वही हस्तक्षेप किया गया कि भाई जो राजस्थान को कोयला चाहिए था उसकी कोयला, और ये कोई दोनों मुख्यमंत्री है, जिम्मेदार मुख्यमंत्री है, दोनों अच्छा काम कर रहे हैं अपने अपने प्रदेश में, कर रहे हैं तभी तो कोयला नहीं दे रहे हैं। वो सोनिया गांधी जी जो मध्यस्थ जहाँ जरूरत है उसमें वो निकाल दी जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी चाहता हूँ कि ये सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में ये सब हो जाए ताकि प्रदेशवासियों को ये आपसी टकराव के चलते और उन्हें अंधेरे में ना रहना चले। फिलहाल शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल
आपको बता दें कि दोनों ही प्रदेश के मुख्यमंत्रियों में टकराव जारी है और उन्होंने सोनिया गांधी से मांग की है कि वो इस मामले में हस्तक्षेप करें।